हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन रेलवे का जो 2018 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा। डेट्स निकल चुकी हैं, 10 फरवरी से आप ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है, जो आपने फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट पे जाके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म फिल कीजिए। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि आपको जो है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपकी क्वालिफिकेशन से डिटेल देनी होती है, उसके बाद से आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है, फिर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद से फाइनल स्टेप पे आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक बार जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं, उसके बाद से आपने बेसिकली आपने ऑनलाइन पेपर की तैयारी करनी है, जिसके बेस पे ये तय होगा कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये देखिए, आप फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद सबका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फाइनली जो है जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको जो भी आपको आते हैं वही कीजिए। सारे अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स हैं, तो जो जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से आते हैं उसमें करना है, इसीलिए क्योंकि 1/3 ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड वो जो है डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। अब आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या है, आपने जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 35 किलो का वज़न उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर, और आपने वो जो 35 किलो का जो वज़न है उसको आपने नीचे नहीं रखना, और 1000 मीटर की रनिंग होगी जो कि आपने 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर करनी है बिना रुके। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वेट है जो कि आपको 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर लेके जाना है, आपने वो वेट नीचे नहीं रखना। उसी तरह से जो है इनका भी 1000 मीटर का रेस होगा, टाइमिंग इनकी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर काम उसको फिनिश करना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसमें, जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आपका जो है बेसिकली टोटल सिलेबस है, जिसमें मैथमेटिक्स में आपको जो है नंबर सिस्टम आना चाहिए, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो भी आपका मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इसमें आप आर डी शर्मा की बुक आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें सारे सॉल्व होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज के सब बेसिक मैथमेटिक्स हैं। इसको आपने टॉपिक बाय टॉपिक जो है सारे को सारे कवर करने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम बहुत कम है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स हैं, 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी तभी निकाल सकते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है इसके अंदर, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है वर्ड्स होते हैं उनको कोड डिकोड करना होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं उसमें, जंबलिंग का, फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बेसिकली ये है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करके जाना है, इसमें से एक भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद से जनरल साइंस का है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जो भी आपने 10th तक पढ़ा है, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन 10th है तो आपको 10th तक का जो भी है उसमें पूछा जाएगा जनरल साइंस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, जो कि आपने जो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग और जनरल साइंस, आपने टॉपिक बाय टॉपिक उठा के उसको पूरा कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडल पेपर बताऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं उसको जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।